Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Amir Shakoor. और आज हमारा टॉपिक जिस तरह हमने नॉन करंट एसेट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है तो आज हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन. हम रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं, कब कब करते हैं. अगर हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स का जो स्टैंडर्ड है वो है IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हमें दो मॉडल्स की बात करता है, एक कॉस्ट मॉडल और दूसरा रीवैल्यूएशन मॉडल. कॉस्ट मॉडल में जैसा कि आपको पता है कि इनिशियली हमने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की, हमने एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया. लेट्स सपोज 500,000 कॉस्ट थी तो इनिशियली हमने एसेट को 500,000 पे रिकॉर्ड किया. और हमने इससे पहले भी बात की थी कि कॉस्ट के अंदर हर वो चीज शामिल होती है जो उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होती है. तो इनिशियली हमने कॉस्ट पे एसेट को रिकॉर्ड किया और जैसे जैसे हम उसकी डेप्रिसिएशन करते जाएंगे उसकी कैरिंग वैल्यू कम होती जाएगी और हमारे पास आज तक की हमारी जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी है, 100,000 है और हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी है, 400,000. तो हमेशा याद रखें जब भी रीवैल्यूएशन की बात हो या डिस्पोजल की बात हो या ईयर एंड हो तो तीनों केसेस में हमें क्या चाहिए होगी, कैरिंग वैल्यू चाहिए होगी. अब रीवैल्यूएशन कैसे होगी, पहले हमने उस दिन तक की डेप्रिसिएशन चार्ज की, कैरिंग वैल्यू निकाल ली. अब इस कैरिंग वैल्यू को हमने रीवैल्यूड अमाउंट को लेट्स सपोज उस एसेट की जो वैल्यू है इंक्रीज होके 600,000 होगी. अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, पहला स्टेप देखें कॉस्ट की नेचर क्या है, डेबिट है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है. तो अब कितने का इंक्रीज आ रहा है, 5 और 6 में कितने का फर्क है, 100,000 का. तो पहले एंट्री क्या हुई, डेबिट कॉस्ट बाय 100,000. दूसरी एंट्री क्या होगी, हमने हमेशा ये याद रखना कि हमने अब इस एसेट को किस तरह शो करना है कि ये एसेट 600,000 का है, इस पे अभी तक कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई. तो हमने जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है उसे हमने हमेशा रीवैल्यूएशन के केस में, और खासतौर पे जो FFA के स्टूडेंट्स हैं और FA2 के हैं, FA2 में तो रीवैल्यूएशन नहीं है, खास FFA के अंदर जब भी रीवैल्यूएशन की डबल एंट्री पूछी जाए तो याद रखना हर वो ऑप्शन आपके लिए हो सकती है जहां पे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है. तो रीवैल्यूएशन के केस में मस्ट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी, डेबिट होगी. क्यों, क्योंकि हमने इस डेप्रिसिएशन को रिमूव करना है. अब न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज होगी रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर. तो अब स्टेप टू हमने क्या किया कि हमने इस डेप्रिसिएशन को जीरो कर दिया. और स्टेप थ्री क्या होगा, ये जो हमारे पास 4 और 6 का डिफरेंस है विच इज 200,000, दिस 200,000 इज रीवैल्यूएशन रिजर्व. रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स पार्ट ऑफ इक्विटी होंगे, ये हमारा गेन नहीं होता. क्यों गेन नहीं होता, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड है. इससे पहले वीडियो पे हमने बात की थी डिस्पोजल में कि जब हम एसेट को डिस्पोज कर देते हैं तब जो वैल्यू में इंक्रीज आता है वो हमारे पास गेन या प्रॉफिट होता है. अगर इस तरह, क्योंकि अभी नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये नॉट फॉर सेल है, अब जो गेन आया है इस गेन को हम अनरियलाइज कहेंगे, इसे पार्ट ऑफ इक्विटी तो कहेंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारे पास फॉर सेल नहीं है. इसीलिए हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में तो लिखेंगे बट हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनलेस हम इस एसेट को डिस्पोज ना करते.